दानिश जी ने सवाल भेजा है दिल्ली से, रेणुका शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। 1700 शेयर है उनके पोर्टफोलियो में 59 रुपए के भाव पे। किरण जी क्या राय होगी? वैसे भी हमने शुगर शेयरों में देखा है एक दिन तेजी, दो दिन तेजी, उसके बाद उससे ज्यादा बड़ी गिरावट, और कमोबेश यही ट्रेंड रेणुका शुगर में देखने को मिल रहा है कि 2 कदम आगे 5 कदम पीछे जा रहा है शेयर। क्या राय होगी शेयर पे? रेणुका शुगर की अगर बात करें तो बीच में जो शुगर की रैली आई थी, कहीं ना कहीं उस रैली के दरमियान हमने देखा 70 तक ये स्टॉक गया, काफी लोगों का फेवरेट स्टॉक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो रिकवरी हम रिसेंटली देख रहे हैं, आप धामपुर शुगर देख लीजिए, रेणुका शुगर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन धामपुर हो गया या तो बलरामपुर चीनी हो गया, कहीं ना कहीं रिसेंटली जो रैली आई उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रेणुका शुगर में अगर उनको बने रहना है तो एक 42 या 40 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अदरवाइज हमें तो लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से उनको निकल जाना चाहिए, और अगर शुगर के ही साथ उनको बने रहना है तो धामपुर शुगर वुड बी द बेटर चॉइस। जिस तरह से करंट मार्केट प्राइस पे 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो धामपुर वुड बी द बेटर चॉइस। आप रेणुका से एग्जिट करके धामपुर में शिफ्ट ले लीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए धामपुर शुगर में, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 350 तक के टारगेट आने वाले 3-1 महीने में आप देख सकते हैं। तो रेणुका में मेरे हिसाब से एग्जिट ले लेनी चाहिए, और धामपुर शुगर में आप प्री एंट्री कर सकते हो। रेणुका पे ये जो है किरण जी की तरफ से राय आती हुई, उत्तम गायकवाड़ जी।